मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमति। बच्चों, आज हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए वर्ण विच्छेद करना उतना ही आसान हो जाएगा, यानी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपको तरह तरह के वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जिन शब्दों में रेफ लगता है उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे सूर्य, सूर्य का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? स प्लस अ उ, बड़ा उ है तो हम बड़ा उ ही लिखेंगे। अब हम जो रेफ है उसको पहले लिखेंगे, जिस वर्ण पर लगा है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे र प्लस य, स्वर किसका है? अ का, तो क्या बन गया? सूर्य का वर्ण विच्छेद। अब अगला लेते हैं धर्म। धर्म का कैसे करेंगे? ध में किसकी साउंड आ रही है? अ की, तो हम अ लिखेंगे। और रेफ को वर्ण से पहले लिखेंगे। बच्चे अक्सर यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं वो रेफ को बाद में लिखते हैं। रेफ हमेशा जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहले लिखा जाता है। म साउंड किसकी है? अ की। अब अगला लेते हैं हम कर्म। क, क के नीचे हलन, फिर अ की साउंड है। अब लिखेंगे रेफ, अब लिखेंगे वो वर्ण जिस पर लगा है म, और साउंड किसकी है? अ की। तो इस प्रकार से कर्म का वर्ण विच्छेद करेंगे। अब हम लेते हैं नर्म का। न के नीचे हलन, हलन क्यों लगाते हैं ये तो आपको पता ही है। यदि हम व्यंजन को स्वर के बिना लिखेंगे तो उसके नीचे हलन लगाना पड़ता है। अ, इसमें कौन सा स्वर है? अ। अब लिखेंगे रेफ को और उसके बाद में जिस वर्ण पे लगा है उसको, और साउंड किसकी है? अ की। अब अगला लेते हैं शर्म। श लिखा, हलंत लगाया, अ की साउंड है, और अब हम लगाएंगे रेफ। रेफ को पहले लिखेंगे और उसके बाद में म, साउंड किसकी है? अ की। अगला लेते हैं पर्व। इसको कैसे करेंगे? प, प के नीचे हलन, अ की साउंड, फिर रेफ, फिर व जिसके ऊपर रेफ लगा है उसको बाद में लिखते हैं। अ, व के नीचे हलंत लगाना मत भूलिए। मर्म, म के नीचे हलन, स्वर कौन सा है? अ, फिर रेफ और उसके बाद में जो जिस वर्ण पे लगा है रेफ वो लिखेंगे। साउंड किसकी है? अ की। गर्मी, क्या है? गर्मी। ग के नीचे हलन, साउंड किसकी है? कौन सा स्वर आ रहा है? अस्वर आ रहा है, तो अस्वर लिखेंगे। अब लिखेंगे रेफ और उसके बाद में लिखेंगे म। म में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्ण विच्छेद में? बड़ी ई। अगला क्या है हमारा? सर्दी। सर्दी का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? सर के नीचे हलन, साउंड किसकी है? कौन सा स्वर आ रहा है? अ। रेफ लगाएंगे अब, उसके बाद में जिस वर्ण पे लगा है वो लिखेंगे द। द के ऊपर किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। मूर्ख, क्या है? मूर्ख। म को किसकी साउंड आ रही है? बड़ा उ की। और इसके बाद में क्या लगाएंगे? रेफ। रेफ को हमेशा पहले लिखते हैं, जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहले लिखते हैं। यही सिंपल सा नियम है। किस वर्ण पर लगा है? ख के ऊपर, और ख को किसकी स्वर है? कौन सा स्वर आ रहा है? अ का स्वर, तो ये इस प्रकार से कर देंगे। अब अगला लेते हैं वार्षिक। क्या है वार्षिक?
तो इसमें व को कौन सा स्वर आ रहा है? आ का स्वर। और उसके बाद में लिखेंगे रेव, जिसपे लगा है, किसपे लगा है? पेट कटा श पे। पेट कटा श को किसकी मात्रा है? छोटी ई की। फिर लिखेंगे क, क को किस कौन सा स्वर आ रहा है? अ का। तो इस प्रकार से सवर्ण विच्छेद करेंगे। अब हम अगला लेते हैं। अगला हमारा क्या है? धार्मिक। धार्मिक में क्या करेंगे? ध में किसका साउंड, किसके साउंड आ रही है? आ स्वर की साउंड आ रही है, तो आ लगाएंगे। अब इस रेफ किस पे लगा है? पहले हम रेफ को लिखेंगे, बाद में जिस वर्ण पे लगा है उसे लिखेंगे। जैसे र, र के नीचे हलन। अब म को लगा है तो हम म लिखेंगे, कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। अब लिखेंगे क, क के नीचे लगाएंगे हलन और स्वर कौन सा है? अ। अब अगला लेते हैं दुर्बल। दुर्बल यानी जिसमें बल ना हो, तो कैसे लिखेंगे दुर्बल को? हम कैसे लिखेंगे? द, द के नीचे हलन, कौन सा उ? छोटा उ। अब लिखेंगे रेफ। रेफ को वर्ण से पहले लिखेंगे, र के नीचे हलन। अब लगाएंगे ब, ब को कौन सी साउंड? अ की साउंड। ल, ल को भी कौन सा साउंड आ रहा है? अ का, अ स्वर का साउंड आ रही है। सूर्योदय, सूर्योदय यानी सनराइज। सनराइज देखना सबको बहुत पसंद है। टाइगर हिल में सूर्योदय देखना बहुत सुंदर लगता है। सबसे पहले सूर्योदय वहीं होता है, सूर्योदय। तो सूर्योदय का कैसे करेंगे? स के नीचे हलन, बड़ा उ, उसके बाद में रेफ, र का रेफ, फिर किस पे लगा है वो लिखेंगे, फिर ओ की साउंड आ रही है वो लगा देंगे। अब द के नीचे हलन लगाएंगे, किसकी साउंड आ रही है? अ की। फिर लगाएंगे य, य को भी किसकी साउंड आ रही है? अ की। किसकी साउंड आ रही है? अ की। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे। अब अगला लेते हैं दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यानी बुरा लक, दुर्भाग्य यानी बैड लक। द के नीचे हलन, छोटा उ, अब लगाएंगे रेफ को पहले लिखेंगे और उसके बाद में जिस पर लगा है भ, भ को किसकी साउंड आ रही है? आ की साउंड आ रही है। उसके बाद में ग, ग के नीचे लगाएंगे हलन, उसके बाद में लगाएंगे य, य के नीचे भी हलन लगाएंगे और अ की साउंड आ रही है। निर्दोष, क्या है हमारा वर्ड? निर्दोष। निर्दोष निके, निक, इसमें क्या करेंगे? न लिखेंगे, न के नीचे हलन लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा है और फिर लिखेंगे रेफ, फिर लगाएंगे किसके ऊपर लगा है? द के ऊपर। और किसकी साउंड आ रही है? ओ की साउंड आ रही है। आप हलन लगाना मत भूलिए। हलन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि किसी भी व्यंजन को जब हम स्वर के बिना लिखते हैं तो हलन लगाना होता है। तो क्या, किसकी साउंड आ रही है? ओ की। अब क्या लिखेंगे? पेट कटा श, पेट कटा श में भी हलन लगाएंगे और किसकी साउंड आ रही है? अ की। अब लिखेंगे दुर्बल, दुर्लभ, जो आसानी से ना मिले उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। द लिखेंगे, द के नीचे हलन लगाएंगे, छोटा उ लिखेंगे, फिर लिखेंगे रेफ, अब लगाएंगे ल, ल के में कौन से स्वर की मात्रा, कौन सा स्वर आ रहा है ल में? अ। अब आएगा भ, भ में भी कौन से स्वर की साउंड आ रही है? अ स्वर की। अब लिखेंगे निर्यात। निर्यात का वर्ण विच्छेद करेंगे। न के नीचे लगाएंगे हलन, छोटी ई की मात्रा और अब लगाएंगे रेफ, जो रेफ है उसको वर्ण से पहले लिखेंगे, जिस भी वर्ण पे लगा है उससे पहले लिखेंगे। फिर लगाएंगे य, य के नीचे हलन, फिर आ की साउंड आ रही है और अब लिखेंगे त, त में भी कौन से स्वर की साउंड आ रही है? र, अ की।
तो इस प्रकार से रेप शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वर्ण विच्छेद उतना ही आसान हो जाएगा। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया वो बढ़े और आप पाए परीक्षा में अधिकतम अंक। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।